पाठ 18 मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरे जो वाक्यांश साधारण अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बन जाती है। अंग अंग मुस्काना, बहुत खुश होना। जब से राम वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ तो उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। शिवाजी पहरेदार की आँखों में धूल झोंक कर आगरा के किले से भाग गए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई आप करना। श्याम, तुम अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनते हो? अगर और कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तब तो बात है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना। राम ने परीक्षम से जी चुरा कर अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारी। जोर जोर से पढ़ें। लोकोक्तियाँ, लोकोक्ति इसे कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। लोकोक्ति का अर्थ है लोक जमा उक्ति। लोक में प्रचलित उक्ति वर्षों से अनुभव की कसौटी पर कसे गए कथन ही लोकोक्तियाँ बन गए। जो वाक्य साधारण अर्थ को प्रकट ना करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करें, वे लोकोक्तियाँ कहलाते हैं। आम के आम, गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। राम मुकदमे में भी जीत गया और उसके बेटे को भी नौकरी मिल गई। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अंत भले का भला, अच्छे काम का अच्छा परिणाम। अच्छे काम का परिणाम भी अच्छा होता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत कंजूस होना। कमल की एक एक पैसा खर्च करने में जान निकलती है। ये तो वही बात हुई, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। काला अक्षर भैंस बराबर, अनपढ़ होना। शीला पत्र क्या लिखेगी, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। जोर जोर से पढ़ें। लोकोक्तियाँ भी मुहावरों की भांति सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करती हैं। प्राह कथन की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग होता है, इससे भाषा में विलक्षणता आती है। ये एक उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होती हैं। मुहावरे व लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूरा वाक्य होती है, अतः स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। जैसे आंखें दिखाना मुहावरा, लकीर का फकीर होना लोकोक्ति। परीक्षा में कम अंक पर माँ ने पुत्र को आंखें दिखाई, मुहावरा वाक्य का अंग बन गया। बुद्धि से काम लो, लकीर के फकीर मत बनो, लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग।